ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कठुआ शहर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में जन जागृति मंच सहित कई अन्य संगठनों ने शहीदी चौक से लेकर डीसी ऑफिस तक रोष मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जोरदार झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर उन पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है और ये प्रक्रिया अगर बंद ना की गई तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। डंडे की जोर पर कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर जमा लगे गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पूरी कठुआ की जनता जो रोडों पे है और बड़ी जल्दी कल हमारी सरकार बन जाएगी और जो स्मार्ट मीटर जम्मू में लगे हैं वो भी उखाड़ के हम नालियों में फेंकेंगे। और जब से 370 जहां से टूटी हुई है, पिछले 11 साल से लगातार लोगों की जेबों में डाका मारा जा रहा है और ये डाका लोग नहीं बजने देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो नई सरकार बनेगी तो जो स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उनको उखाड़ कर नालियों में डालोगी और लोगों को राहत जरूर मिलेगी। आज जो भी स्मार्ट मीटर लगेंगे, हम प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि आप जो बाहर की कंपनियां हैं जो लोगों को लूट रही हैं उनका साथ मत दे। और मेरे को विश्वास है कि आज जिस तरह से लोग रोडों पर हैं वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हजारों लाखों लोग रोडों पर होंगे। भाई रोज हर जगह जगह पर प्रोटेस्ट करा रहे लोग, चाहते हैं कि कठुआ के बीच जो स्मार्ट मीटर नहीं लगन। अज जुदा आई प्रोटेस्ट शहीदी चौक के बीच स्टार्ट किया, जुदा की आई पहले ही है प्रशासन की भी व्हाट्सएप मैसेज थ्रू जा CIDL सारे को बार बार पूछा कि तुम क्या करना चाहते हैं। अं उन्हें दसिया कि अं जरा है एक घंटे वास्ते रोड ब्लॉक करके और उत्ते प्रशासन को आह्वान प्रशासन को अपील करके कि जरा स्मार्ट मीटर के खिलाफ जरा है सानू आश्वासन दो। पर अज क्या कठुआ के SHO साहब उत्ते